दोस्तों, ओमेगल वेबसाइट को जब हम मोबाइल ब्राउजर पर यूज करते हैं तो अक्सर उसमें एक एरर आता है, क्लोज एनी बबल्स एंड ओवरलेज फ्रॉम अदर एप्स। तो अगर आपको भी आपके मोबाइल फ़ोन पर ओमेगल वेबसाइट यूज करते टाइम ये एरर आ रहा है तो आप हमारे वीडियो में दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके इजीली ओमेगल वेबसाइट यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हम जो सेटिंग्स आपको बता रहे हैं वह सेटिंग्स MIUI 12 बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन के लिए है। अगर आपके पास कोई अदर एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप दी गई सेटिंग्स को अपने मोबाइल में सर्च करें और जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे ऑन या ऑफ़ कर लें तो आप इजीली ओमेगल वेबसाइट यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन में सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको डिस्प्ले सर्च करना है। जैसे ही आप डिस्प्ले सर्च करेंगे, सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन आएगा जिसको डिस्प्ले ओवर अदर एप्स है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर से डिस्प्ले ओवर अदर एप्स का ऑप्शन आएगा, वहाँ क्लिक कर लें। ये क्लिक करने के बाद कुछ ऐप्स खुलेंगी, आपको उनमें से एक ऐप पर क्लिक करना है और ऐप पर क्लिक करते ही वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर एप्स। आपको इस ऑप्शन को बंद कर देना है और वन बाय वन सभी ऐप्स के इस ऑप्शन को बंद कर देना है। जैसे आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, हम एक एक करके सभी ऐप्स के इस ऑप्शन को बंद कर रहे हैं। सभी ऐप्स के लिए इस ऑप्शन को बंद करने के बाद देखिए दोस्तों, हमने एक एक करके सभी ऐप्स के लिए इस ऑप्शन को क्लोज कर दिया है। इसके बाद आपको वापस बैक आना है और सेटिंग्स ऑप्शन में ऐप्स के नाम से एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद उसमें मैनेज ऐप्स के नाम से एक ऑप्शन है, वहाँ क्लिक करके अपने को क्रोम सर्च करना है। जैसे ही हम क्रोम सर्च करेंगे, वहाँ पर क्रोम पर क्लिक करेंगे, एक ऐप परमिशन के नाम से ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करने के बाद जो जो ऑप्शन डिनाइड है उन सबको अपने को अलाउ कर देना है। इन सभी ऑप्शन को अलाउ करने के बाद अपने को वापस ऐप्स के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग्स के नाम से। इस एडिशनल सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने को नीचे ही नीचे एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर ऑप्शंस। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें स्क्रॉल डाउन करने पर नीचे एक बबल्स के नाम से ऑप्शन होगा। दोस्तों, अपने को इस बबल्स ऑप्शन को बंद कर देना है। इस ऑप्शन को बंद करने के बाद अपने को मोबाइल फ़ोन को रिस्टार्ट करना है और मोबाइल फ़ोन के रिस्टार्ट होने के बाद हम इजीली क्रोम ब्राउजर में ओमेगल यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।